स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम गॉस एलिमिनेशन पर बेस्ड दो क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी राइट द ऑगमेंटेड फॉर्म फॉर द गिवन सिस्टम एज। सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशंस को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लेना है। जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो आपने लिखना है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास x1 का कोएफिशिएंट है 1, x2 का कोएफिशिएंट है 1, x3 का कोएफिशिएंट है 1। तो हमने इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लिया है। अब आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है ताकि हम राइट साइड को अलग शो कर सकें। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपने कोएफिशिएंट लिख लेने हैं 4, 3, 4। फिर 8 एलिमेंट लिख लीजिए। देन ऐसे ही आपने थर्ड लीनियर इक्वेशन के लिए भी करना है। इसके बाद आपने ऑगमेंटेड फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा ट्रायंगुलर फॉर्म में या इक्वलन फॉर्म में। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने इन तीनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करना होगा। ज़ीरो करने के लिए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। तो ऑपरेशंस कैसे यूज़ करना है स्टार्ट करते हैं। इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए अगर ऊपर 1 है तो ये इजीली ज़ीरो हो सकता है। कैसे? अप्लाइंग R2 चेंज टू। हमें R2 की रो चेंज करनी होगी तो वो पूरे के लिए ऑपरेशन होगा। R2 का एलिमेंट ज़ीरो करना है तो ये ज़ीरो कैसे होगा? अगर मैं 4 में 4 को इंटू कर दूँ 1 के साथ एंड देन इसके बाद मैं उनको माइनस कर दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं R2 चेंज टू R2 माइनस 4R1। 4 की मल्टीप्लाई हो रही है R1 के साथ। एज इट इज़ हमें 9 को भी ज़ीरो करना है। सेम हम R1 का यूज़ करेंगे, R3 चेंज टू R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R1। ऑपरेशन की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। R2 चेंज टू R2 माइनस 4R1। तो सबसे पहले एलिमेंट के लिए 4 विच इज़ R2 माइनस 4 टाइम्स R1। R1 है 1 तो मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट के लिए भी कीजिए, रो 2 के 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। R1 इसके ऊपर क्या है? R1 एलिमेंट है विच इज़ 1, तो वी गेट माइनस 1। थर्ड एलिमेंट के लिए भी ये 0 हो जाएगा। देन लास्ट एलिमेंट 8, 8 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3, 8 माइनस 12, वी गेट माइनस 4। तो एलिमेंट्स आने के बाद आप इसे लिख लेंगे। अब थर्ड रो के लिए कीजिए, थर्ड रो के लिए R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 0 हो गया। 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1, 3 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6। तो ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स भी आ गए हैं। अब इन दो रो को आप लिख लीजिए जो जो एलिमेंट्स आपके आए हैं। इसके बाद ये दो ज़ीरो तो आ गए हैं, इन दोनों के बाद हमने इसको ज़ीरो करना होगा। तो इसको ज़ीरो करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। माइनस 6 को ज़ीरो करने के लिए हम इसके ऊपर वाली रो का यूज़ करेंगे। तो अप्लाई करते हैं R3 चेंज टू R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R2। रफ में देखते हैं, इस एलिमेंट के लिए ये 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 ही। देन माइनस 6 के लिए जो कि हमें 0 करना है, माइनस 6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ माइनस 1, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। देन माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स को भी सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास रो 3 आई है 0, 0, माइनस 5 एंड 4। अब ये तीनों एलिमेंट 0 होने के बाद आपने अप्लाई करना है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे थर्ड रो जो है उससे स्टार्ट करते हैं। अब जो ये कोएफिशिएंट्स थे, ये x1 का कोएफिशिएंट था, ये x2 का कोएफिशिएंट, ये x3 का कोएफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं माइनस 5x3 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास जो टर्म्स हैं वो राइट साइड थी, इक्वल्स टू के राइट साइड। तो हम इसको माइनस 5x3 इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही रो 2 के लिए
माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन एक्स टू इक्वल्स टू माइनस फोर. माइनस वन एक्स टू का कोएफिशिएंट था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे रो वन के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल्स टू थ्री. अब ये तीनों इक्वेशन आने के बाद आपने इनको सॉल्व करना है. सबसे पहला इक्वेशन के लिए माइनस फाइव मल्टीप्लाई में है एक्स थ्री के साथ तो ये डिवाइड में आ जाएगा. माइनस फाइव माइनस फोर बाई फाइव वैल्यू आ गई एक्स थ्री की. अब सेकेंड के लिए माइनस वन एक्स टू इक्वल्स टू माइनस फोर. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो एक्स टू की वैल्यू हो गई फोर. अब थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ पे तीन वेरिएबल है. तीन वेरिएबल में हमारे पास एक्स थ्री एंड एक्स टू की वैल्यू आ गई है तो इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर लेंगे. पुट करने के बाद एक्स वन प्लस फोर प्लस माइनस फोर बाई फाइव इक्वल्स टू थ्री. वैल्यूज पुट होने के बाद एक्स वन प्लस फोर प्लस माइनस फोर बाई फाइव इक्वल्स टू थ्री. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. देन हम कॉन्स्टेंट पार्ट्स राइट साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड तो यहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. देन सॉल्व कर लेते हैं इनको. थ्री माइनस फोर वी गेट माइनस वन. वन के नीचे वन हम मान लेंगे. देन फाइव और वन का एलसीएम फाइव ही होगा तो उसको फाइव बनाने के लिए वन में फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे. अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे तो माइनस फाइव हुआ ये प्लस का फोर. देन माइनस फाइव प्लस फोर वी गेट माइनस वन. तो एक्स वन का वैल्यू आया माइनस वन बाय फाइव. तो अब गॉस एलिमिनेशन पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड. डज द सॉल्यूशन एग्जिस्ट. क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है आपको ये भी चेक करना होगा. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना होगा. तो ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं. ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखने के बाद हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की बनेगी. अब इसके बाद आपने इन तीनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है. इसको ज़ीरो करने के लिए आप रो वन का यूज़ करेंगे. लेकिन ये रो वन जो एलिमेंट है रो वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थ्री है वन तो नहीं है. तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. इसके लिए हमने इसको ज़ीरो करना है टू को ज़ीरो करना है. तो देखिए आर टू चेंज टू आर टू माइनस टू बाय थ्री इन टू आर वन. इस ऑपरेशन के लिए यहाँ आर टू की वैल्यू रहेगी टू आर वन की वैल्यू रहेगी थ्री. तो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा. देन यहाँ टू बचेगा तो टू माइनस टू तो ये इसलिए ज़ीरो हो जाएगा. ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी. तो फ्रेंड्स आप ऐसे अगर यहाँ पर वन नहीं होता है तो आपने ऐसे एलिमेंट को ज़ीरो करना होगा. इसको डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू से एंड मल्टीप्लाई होगा जो ऊपर की रो है. तो रफ में देखते हैं हर एक एलिमेंट के लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा. देखिए इसके लिए तो सेम वही टू माइनस टू बाई थ्री इंटू में थ्री. थ्री से थ्री कैंसिल आउट तो इक्वल टू टू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो. ऐसे सेकेंड एलिमेंट के लिए वन माइनस टू बाई थ्री इंटू टू क्योंकि इसके ऊपर का एलिमेंट है टू तो ये हो गया वन माइनस फोर बाई थ्री. सॉल्व किया तो माइनस वन बाई थ्री आएगा. ऐसे ही इस एलिमेंट के लिए भी हमारे पास वैल्यू आई वन बाई थ्री. नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए वैल्यू आई माइनस टू. सॉल्यूशन हमने यहाँ किया हुआ है जीरो माइनस टू बाई थ्री इंटू थ्री. थ्री से थ्री कैंसिल आउट तो माइनस टू वैल्यू आया. अब ये ज़ीरो हो गया है. इसको ज़ीरो करने के लिए भी आपने ऑपरेशन वही सेम यूज़ करना होगा. तो इसके लिए रो थ्री का ऑपरेशन होगा रो थ्री चेंज टू रो थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन क्योंकि ये इसके मल्टीपल में होगा. तो थ्री के अगर मैं इंटू करूँगी टू के साथ तो सिक्स मिलेगा. तो सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो हो सकता है इजिली. तो ऐसे हमने यहाँ रफ में सॉल्व किया हुआ है वैल्यूज़ को. ये ज़ीरो हो गया है. ऐसे ही बाकी अदर एलिमेंट्स भी आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यूज़ आई माइनस टू टू एंड ज़ीरो. अब इन दो एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के बाद आपने इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है. तो इसको ज़ीरो करने के लिए भी रॉ ऑपरेशन यूज़ करते हैं. माइनस टू ज़ीरो करते हैं तो उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं रो थ्री चेंज टू रो थ्री प्लस टू बाय माइनस वन बाय थ्री. हम इसको यूज़ करेंगे रो टू को तो इसके लिए हम इसके डिवीजन में लाएंगे इसको इन टू का आर टू.
क्योंकि ये आर टू मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हमने माइनस टू प्लस टू बाय माइनस वन बाय थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री दोनों कैंसिल आउट हुआ तो जीरो मिला। तो ऐसे ये वैल्यू हमारी जीरो हो गई। बाकी एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई कीजिए, तो टू प्लस टू बाय माइनस वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री तो ये कैंसिल आउट हुआ। होने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव हो गई माइनस टू, तो टू माइनस टू जीरो। तो ऐसे ही मेरे तीनों एलिमेंट जीरो हो गए, ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए। तो इसके बाद हमने अप्लाई करना है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमने जो नीचे वाले जो थर्ड रो होती है उसके लिए हम कोएफिशिएंट देखते हैं, लेकिन यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो तो जीरो है, तो इसका मतलब हम एक्स थ्री की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिंस एक्स थ्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देयरफोर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग में जो उसने क्वेश्चन किया था, डज द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो ये उसका आंसर है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसे आपने इसको ख़त्म कर देना है, एक्स वन एंड एक्स टू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स थ्री ही पॉसिबल नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।